कसरावत ईद मिलाद उन नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन इस्लाम को मनाने वाले ही शायद इससे कोई बड़ा दिन होगा। हर मुसलमान अपने आका की आमद पर अपने अपने तरीके से मोहब्बत का इजहार करता है। लगभग 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस और जलसा नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार जैसे ही जुलूस और जलसे की परमिशन मिली, कसरावत मुस्लिम समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई इस जलसे में शामिल होने के लिए बेताब नजर आने लगा। कसरावत गौसिया मस्जिद से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज द्वारा जुलूस निकाला गया, जो कसरावत के मुख्य मार्गो से होता हुआ जामा मस्जिद पहुँचा। जुलूस में छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग और युवा सभी हाथों में बैनर झंडे लिए हुए प्यारे नबी की शान में नारे लगाते हुए एवं नज्म गाते हुए बेहद शालीनता एवं सधे हुए अंदाज में जामा मस्जिद चौक पहुँचे, जहां पर कसरावत मस्जिदों की सभी पेश इमाम एवं हाजियों तथा कोरोना काल में लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर इम्तियाज मंसूरी का फूलमाला से स्वागत किया गया। साथ ही छोटे बच्चे ने अपने प्यारे नबी की शान में नज्म पढ़ी है, तकरीर पेश की। कसरावत से अब्दुल रशीद खान की रिपोर्ट। मैं यही संदेश देना चाहूँगा सबसे पहले कि आज ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान को देना चाहूँगा, क्योंकि आज का वो दिन है जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, तो इसी की हम लोग खुशी मनाते हैं और लंगर भी लुटाते हैं। और इसी के साथ अभी महफिल पूरी हो चुकी है जिसमें हमने देश के लिए दुआएं की है, और बिलखसूस कोरोना वायरस जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसके लिए भी हमने दुआ की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे जल्द से जल्द हमारे देश से ख़त्म कर दे और निस्त नाबूद कर दे। और अगर कोई इसमें हमारे देश का कोई शख्स अगर इसमें मुबतला है, तो हमने दुआ की कि अल्लाह उस ईद मिलादुन्नबी की बरकत से उसे शिफायाब अता फरमाएँ और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएँ। और यही एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारे देश में बस इसी तरीके से अमन सुकून के साथ इसी तरीके से मिलाद भी होता रहे, और जितने भी त्यौहार हैं हर त्यौहार को हम सुकून इत्मीनान से बनाएं। इसी तरीके से अगर हमारा भाईचारा रहेगा तो इंशाल्लाह हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ेगा, और इतने आगे बढ़ेगा कि विदेशों में भी इंशाल्लाह हमारे देश का नाम होगा। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज़ को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।